हेलो जी, ठीक हो ना? तो आज को लोग करते हैं शुरू। यार मैं ना यखनी लेकर आया था, ठीक है ना? तो मानो और बिल्लू को देते हैं, ये पड़े इनके जो सब बर्तन है, अब दोनों को डाल डाल के देता हूँ। तो यार सबसे पहले मैं माजर करता हूँ, ठीक है? तो यार ये 2 से 3 दिन थे ना, बहुत मुश्किल से गुजरे हैं, ठीक है ना? तो बस माजर करता हूँ, ठीक है? इसलिए ब्लॉग नहीं बना पाया, तो यार सॉरी, आई एम सो सॉरी, ठीक है? तो बस ओहो, कबूतर हमारा गया अभी। तो बस यार बता भी नहीं सकता आपको मैं, इसलिए बस मेरे चैनल को लाइक भी किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें और सपोर्ट भी करें। यार बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग मुझे सपोर्ट भी कर रहे हो। चलो यार, ये गर्मी बहुत है वैसे ना ऊपर। देखिए मैंने ना दोनों को दे दिया, ठीक है, यखनी इनकी। यार इतनी गर्म भी नहीं है, बिल्लू जैसे तू कह रहा है। चल पकड़िए, मानो तेरी यहाँ खा ले गंदी, फिर बोलती है मियाँ मुझे दे, फिर खाती भी नहीं है गंदी। चलो अब खा लो, जल्दी करो यार, ये भी गिरा हुआ नीचे, क्या करूँ मैं इनका। आए, आए। बिल्लू मानो का, बाकी ये बच्चे नहीं दे रहे, पता नहीं क्यों नहीं दे रहे। ये ना रूम की सफाई करने वाली, बहुत बुरा लगता है यार मुझे, बहुत बुरा लगता है कि यहाँ पर पड़ी है यार ये। तो चलो इन्हें जल्दी जल्दी देता है, शाम के भी इन्हें यही यखनी देनी है यार, अभी भी यखनी और शाम के टाइम भी, दो टाइम यखनी करेंगे इनकी, ठीक है ना? बाकी जो सा डक का बेबी है वो भी देख लेता हूँ, मेरे ख्याल से सोया पड़ा है यार ये। उठो, वो आ रही है, ओए यार ये तो मरा हुआ है। ओ थोड़ी ओए यार, मिस स्मेल, बहुत स्मेल आ रही है यार, अफसोस भी बहुत हो रहा है। इतने दिनों बाद बेबी निकलते हैं, ठीक है, वो भी मर जाते हैं सारे के सारे। मेरे ख्याल से ना अभी नए नए जो से ना एग में से निकल रहे हैं, इसलिए बेचारे ये मर जा रहे हैं। अब पता नहीं क्या मसला है इनका, वो इतनी स्मेल, अफसोस भी बहुत हो रहा है। बस यार ओए होए, डक का बेबी जो सा था वो, इसकी ना जो सी आइज थी ना, एक आँख थी जो वो उसी वो एक ख़राब थी, ठीक है ना? ये देखें, एक इसकी आँख जो सी थी ये ख़राब थी, ये बंद थी इसकी आँख, मेरे ख्याल से इसलिए मर गया ये। चले यहाँ पे से जल्दी जाके से दफनाता हूँ, ठीक है? और गर्मी बहुत बढ़ रही है, आगे से 40 डिग्री जो सा ना वो पड़ रहा है, ठीक है भाई? तो जल्दी जल्दी ये दफनाता हूँ इसे भी, और आपको ऊपर भी लेकर देता हूँ। गर्मी बहुत है यार, मैं कहता हूँ शाम को ही आएंगे, शाम को ऊपर दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना? देख रहे मैंने ना इन्हें शाम की डाइट दे दी है, ठीक है ना? दोनों के दोनों मोटे से खा रहे हैं दोनों के दोनों, ये देखे जी मानो हो, वो कहते हैं उन्हें भी दे दिए मैंने, ठीक है? अब सीधा चलते हैं ऊपर। ये इसका काम रुक गया, अब इसका काम ना हफ्ते दो हफ्ते में अभी रुका पड़ा है, ठीक है? तो इंशाल्लाह आगे स्टार्ट करेंगे, इंशाल्लाह यार 2-3 दिनों बाद ये स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना? क्योंकि ना आगे जो से यार क्या बताऊँ, छोड़ो यार बस रहने दो यार। बाकी ये देखिए अपना खा रहे हैं, अब चलते हैं सीधा मिनी जूम। ओ यार ये पौड़ी है ना, ये सही नहीं है यार। चलें बस आप लोग स्टोर करो यार बस, ठीक है ना? ओए मुर्गा क्या हो गया, मुर्गे को अंदर है मुर्गे? अच्छा अच्छा, अंदर ठंडा है ना इसलिए, अंदर ठंडा हुआ हुआ फूड है इसलिए अंदर बैठे हैं, लेकिन अंदर से गीला है ना इसलिए। रैबिट को सबको देख लूँ एक दफ़ा, फिर इन्हें देते हैं दाना फीड इनकी। हाँ भाई क्या हाल है, ठीक है? अंदर देखे भी है कि नहीं है, इधर भी मेरे पास कोई भी नहीं है, इधर भी, इधर से कबूतर निकल के गया, कोई भी नहीं है। ये देखें ये जा, यार मैं तुम्हें ढूंढ रहा, तुम यहाँ पर बैठे हो गंदे बच्चे। बाकी आगे वो भी देख लेते हैं। ये मैंने कल देखा, मैंने ना मुर्गी ये जो से ना ये एग खा रही थी, ये वाली मुर्गी, ये वाली। कल मैं ऊपर वैसे ऊपर तो आता रहता था, ठीक है? तो ब्लॉग मैं नहीं बना पाया, तो इसलिए यार थोड़ा सा माजर करता हूँ, ठीक है ना? तो एग अंदर दिया हुआ है, वो भी उठाते हैं और लेकर जाते हैं। एक वहाँ पर भी दिया हुआ है यार, जितनी जगह कहाँ से दिए हुए हैं, एक वो पड़ा एक ये पड़ा, वाह इतने एग। चलो उठाते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है? देखें ये एग, ठीक है ना? ये हम रखेंगे मुर्गी के नीचे, अब हम रखेंगे जितने भी एग होंगे ना सारे के सारे हम अपनी मुर्गी के नीचे रखेंगे, क्योंकि ना मशीन में नहीं रख रहे, मशीन जो सी हमारा ख़राब करने लग गई है। सुना कुछ करता हूँ, देखते हैं। अब ये जाकर ना मैं नीचे रखता हूँ, ठीक है? जो सा हमारा नीचे किचन है ना, नीचे वाला, इधर जाके रखते हैं सब संभाल के। और मुर्गी भी एग देने लग गए दोबारा से, और जो से बकते हैं ये भी देने लग गए हैं, इन्हें आराम से रखते हैं क्योंकि ना इनकी जल्दी ना ये ना टूट जाए यार। ये देखें, ये देखें। चलो भाई
ठीक है ना, यहाँ पर ठीक है। अब पता नहीं यार कितने दिनों के दिए हैं, ये गर्म थे दोनों के दोनों, ये ठंडा था, ठीक है ना। ये दो तीन ही गर्म थे मेरे ख्याल, कबूतर पता नहीं बैठे हुए तो पता नहीं मुझे क्या पता नहीं। अब ये जो से मुर्गी अभी आएंगे देख रहे इंशाल्लाह हम इसके नीचे रखेंगे सारे के सारे मुर्गी के आए, इसे कोई अच्छी जगह में बैठाएंगे जिधर ये बस बच्चे निकाल लें, चाहे इसे मैं नीचे ले जाऊँ जो सा हमने नया हाउस बनाया उधर रख लें एक ही दिन के लिए, या फिर इसे यहीं पर रख दें। मुर्गे को अलग करना पड़ेगा ना, मुर्गा अगर साथ हुआ तो फिर जो से एग वो ख़राब भी हो सकते हैं और मुर्गा खा भी सकता है, पर मुर्गा खाता तो नहीं है, इन्हें जल्दी खोल देते हैं। चलो भाई राजा पीकॉक, भाई राजा इसे मैंने लग बंद किया था क्योंकि ना इसे कल इसके ना इधर खून निकाला हुआ था, इसके सर पूरा ना खून के खून से ना भरा हुआ था यार, ये जो से पैरों ना ये बहुत मारते हैं तो इसलिए ना मैंने लग कर दिया था। अब इनका भी देख लेते हैं, मिक्स अंडे रख देंगे यार, अगर पैरों ने भी आगे दे दिया ना इसके भी हम रख देंगे, पर इसने दिया नहीं कोई भी नहीं दिया। कैंडलिंग करता हूँ ठीक है ना, जो से ख़राब है ना उन्हें बाहर खेलते हैं, जो से सही है उन्हें रखता हूँ ठीक है ना। बस अब जल्दी जल्दी कैंडलिंग करते हैं और देखते हैं क्या इसके अंदर एग खराब है या सही है। इन्हें मैंने खो दिया था इन्हें ना सबको, मैंने इन्हें मैंने दाना पानी दिया, इनके भी मेरे ख्याल से एग खराब हो चुके हैं। ये पता नहीं क्यों खराब हो रहे हैं, मुझे समझ नहीं लग रही कि गर्मी की वजह से खराब हो रहे हैं, पता नहीं लग रहा यार। ये डिग्री भी देख लें 47.10 पे है इसका, कौन सा ना इसका क्या कहते हैं बल्ब जो सा है ये भी नहीं चलता, ये देख लें बंद है, मैंने मशीन खोली हुई ना बल्ब बंद पड़ा है इसका। अब 2 मिनट बाद जाके चलेगा जब ये डिग्री नीचे गिरेगा, अब ये डिग्री जो सा नीचे नहीं गिरा, ये देख लें ये नीचे गिर रहा नहीं है उस उतने में उतना ही है। अब ये मेरे ख्याल से ना गर्मी की वजह से ना ये ख़राब हो चुके हैं, अब जाके बल्ब चला ये देख लें जो से ये सौ से भी ऊपर टपा होता है, ये देख लें यार सौ से ना ऊपर गया हुआ है। या इसे हम किसी सेफ जगह में रखें मशीन को जहाँ पर टेम्परेचर सही हो वहाँ पर रखनी चाहिए, या फिर इसे इसकी जगह चेंज करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि ना इसकी यहाँ पर ना गर्मी बहुत है, मुझे ना यहाँ पर पसीने आ रहे हैं देख लें, पसीने लग गए हैं, इसलिए इसकी जगह हम चेंज करेंगे फिर इसके अंदर एग रखेंगे, फिर पहले जैसे हमारे चिक्स जो से वैसे निकलेंगे ठीक है ना, क्योंकि अब दोबारा से फिर देने लगे ना एग वो, तो देख लें कितने सारे चिक्स हो चुके हैं इसके अंदर भी अभी आए हैं, तो उन्हें भी बाहर निकालता हूँ। तो ये देख लें यार ये सारे के सारे ना एग ये जो से भी हैं ये सारे के सारे ख़राब हो चुके हैं, ये सिर्फ हुए हैं गर्मी की वजह से यार, मशीन का टेम्परेचर ये बहुत ज़्यादा हो जाता था इसकी वजह से ये ख़राब हो। ये देख लें मैं बाहर रखा हुआ है फिर भी ये देखें 100 डिग्री पे है, देख लें यार ये उससे भी ऊपर चला जाता जब दोपहर होती है ना, तो उससे भी ऊपर चला जाता मेरे ख्याल से ना, ये 120 में 130 में चला जाता होगा मेरे ख्याल से, मैं ऊपर आता तो नहीं हूँ वैसे, मैं देखता भी नहीं हूँ यार ये टेम्परेचर, बस मैं आगे लाता था तो मुझे क्या पता यार टेम्परेचर भी देखना चाहिए, तो वैसे ना सामने हम रखेंगे ऐसे करके ना पर पता लग जाए करेगा हमें ऐसे यहाँ पर ठीक है ना, यहाँ पर देखें पता लग रहा है। अब यहाँ पर रखेंगे हम ऐसे थोड़ा सा ऐसे, तो बाकी ये एग जो सा ये ठीक है, अब इनमें से देखते हैं बच्चे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, अभी तो मुझे पता है, बस चिक्स को जल्दी बाहर निकालता हूँ। तो आज ना बैड न्यूज़ भी बहुत मिली है और गुड न्यूज़ भी आपको मैं बता दूं कि ना जो सर ये हमारा पीकॉक है ना इसके बहुत जल्द ना पर आ जाएंगे, जो से रंग बिरंगे पर नहीं होते बहुत जल्द इसके आ रहे हैं, ये देखें ना ऊपर से इसके नए पर निकाल रहा है। अब इसे जल्दी जल्दी ना हमें इसके नए हाउस में से शिफ्ट करना पड़ेगा, अगर ना किया तो इसके पर फिर सही तरह नहीं निकलेंगे, फिर इसके ज़ाया हो जाएंगे पर। अभी इसका नया उसने कहा था 2-3-4 महीनों बाद ना इसके पर आ जाएंगे, इसे 6 महीने मेरे ख्याल से हो चुके हैं या 4 महीने 3 महीने चलो लगा लो हो चुके हैं, तो पर देख लें माशाल्लाह आने लग गए हैं, तो बहुत जल्द ये बहुत प्यारा बनने लग जाएगा। इसकी गर्दन भी देख लें, इसकी गर्दन भी देखें वो पूरी भर चुकी है यार रंग से, देख लें नीचे इसका पर भी इसका नीले नीले शाइनिंग देने लग गए हैं। ये जो सा एग है ना अब ये हम तोड़ के चेक करते हैं बच्चे इसमें हैं कि नहीं है ठीक है। बहुत मुश्किल से गए हैं यार ये अंदर, बहुत मुश्किल से गए हैं, क्या बताऊँ आपको मैं, वो भी बहुत मुश्किल से खुद ही अपने उस घर में चला गया, मैं इधर बंद करना चाहता था इधर से नहीं किया, बहुत तंग किया यार, 2 मिनट उसने थकाया 1 मिनट इन्होंने थकाया, अब ये देखते हैं कितना तंग करते हैं। ये तो मेरे ख्याल से आराम स्कूल से चल जाएंगे, शरीफ हैं ये, शरीफ लग रहे हैं मुझे ये तो बहुत, चलो शरीफ हो चले भाई घे ना शरीफ लोग अपने घर जो से, ये शरीफ है ये बस आप खुले ही रहेंगे क्योंकि ना वो उसके चलेगा ये इसके ये इधर फिर मारा है मार कुटाई हो जाएगी इसलिए। तो आगे इंशाल्लाह
फिर आगे अच्छे अच्छे कंटेंट आते रहेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर देना मेरा हसन लव बर्ड चैनल को, ठीक है। हसन लव बर्ड चैनल को जाके जल्दी जाए सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को यार लाइक भी करना, ठीक है ना, और शेयर भी करना। इंशाल्लाह बहुत बहुत जल्द हम नए परिंदे भी लेकर आएंगे, नए जानवर लेकर आएंगे, बहुत कुछ अभी आएगा, ठीक है ना, बहुत कुछ अभी बाकी है। तो जल्दी जाना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। बस मिलूंगा नए ब्लॉग के साथ, नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। चलें जी, ओके जी, बाय बाय, मिलूँगा फिर कभी, ठीक है, बाय बाय, फिर कभी नहीं, कल मिलूँगा आगे।